जिला गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम पुलिस ने 3 अंतरराज्य वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से तकरीबन 8 वाहन बरामद किए गए हैं। इन तीनों वाहन चोरों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उन्होंने बताया कि उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे ये आसानी से सेंट्रल लॉक वाली कार भी खोल सकते हैं। यह सभी वाहन चोर दिल्ली में रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली NCR के कई इलाकों में चोरी को वारदात दे चुके हैं और वाहनों के फर्जी कागजातों के द्वारा वाहनों को देश भर में बेच दिया करते हैं। फिलहाल थाना इंद्रापुरम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बड़े शातिर वाहन चोर हैं, जिन्होंने तमाम जगह से पल भर में ही वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। चेहरे से मासूम दिखने वाले यह बेहद शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो मौका पाते ही पल भर में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर कई किलोमीटर दूर निकल जाया करते थे, जिससे कि पुलिस इनका सुराग न लगा सके। फिलहाल अब इन तीनों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना इंद्रापुरम द्वारा 3 शातिर वाहन चोर पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 4 व्हीलर्स। इसमें ऑल्टो, सेंट्रो, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके पास एक ECM डिवाइस है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो रहते हैं गाड़ियों के, उसको क्रैक करते हैं और उसके बाद गाड़ी को ले जाकर अलग अलग स्थानों पर इंडिया भर में बेचते हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि तमिलनाडु तक इन्होंने गाड़ियां बेच रखी हैं और कई दिनों से ये सक्रिय हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो है वो अलीगढ़ में एक विधायक थे, उनकी हत्या में जेल भी जा चुका है, और इनमें से एक रोहतास नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर 30 से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें कई वाहन चोरी की घटनाएं इसने कबूली हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये वहाँ पे भी इनके कुछ लोग हैं जो कि इनकी इसमें सहायता करते हैं, उनके बारे में भी अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है और हमारी टीम उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगेंगी।